तो अभी तक अपन ने जितने भी सम्स किए थे उन सारे सम्स के अंदर अपन ने ओल्ड रेशो और न्यू रेशो में से सेक्रीफाइस और गेन रेशो कैलकुलेट करना सीखा था। अभी भी अपन सेक्रीफाइस रेशो ही कैलकुलेट करेंगे, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 9 अगर तुम लोग टेक्स्ट बुक में देखोगे तो इस क्वेश्चन के अंदर अपन को जो न्यू रेशो है वो फ्रैक्शंस में दिया हुआ है। अब देखा जाए तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इजी सम है, लेकिन कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा भी नया हमको क्वेश्चन में दिखता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं और डर जाते हैं कि पता नहीं कैसे सॉल्व होगा। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही अपन सॉल्व करेंगे जैसे अपन ने बाकी के सम सॉल्व किए हैं, उल्टा ये बाकी के क्वेश्चन से ईजी है क्योंकि इसमें हमको फ्रैक्शंस बना के दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन के अंदर तीन पार्टनर हैं, प्रवीण, महेंद्र एंड अरविंद, और ओल्ड रेशो दिया हुआ है 5:2:2 और न्यू रेशो में दिया है 2:9, 3:9 एंड 4:9। हमको बोला है कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो, तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला अपन यूज करेंगे ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। नाउ द फर्स्ट पार्टनर इज प्रवीण, प्रवीण का जब अपन सेक्रीफाइस से कैलकुलेट करेंगे तो ओल्ड शेयर है 5, तो 5+2 7, 7+2 9, तो ये भी हो जाएगा 5/9। तो 5/9 पुट करेंगे, माइनस न्यू हमको दिया हुआ है 2/9 को माइनस करेंगे। अब नीचे दोनों में जो है सेम नंबर है तो हमको क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, एलसीएम भी नहीं लेना पड़ेगा, डायरेक्ट अपन माइनस कर देंगे क्योंकि नीचे का नंबर दोनों में क्या है, सेम है। तो 5-2 3, तो आंसर आ जाएगा 3/9। अब ऐसे ही अपन महेंद्र का कैलकुलेट करेंगे तो ओल्ड रेशो है 2, तो 2+5 7+2 9, तो हो जाएगा 2/9, और न्यू रेशो हमको दिया हुआ है 3/9। तो 2/9 - 3/9, जब अपन 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस में अपना आंसर आएगा, दैट इज -1/9। वी आर कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइस एंड इफ वी गेट द नेगेटिव आंसर इट मीन्स द ऑपोजिट ऑफ सेक्रीफाइस, तो सेक्रीफाइस का ऑपोजिट होगा गेन, हम ब्रैकेट में लिखेंगे इट इज अ गेन। नाउ अरविंद, अरविंद का ओल्ड रेशो है 2/9 और न्यू रेशो क्वेश्चन में दिया हुआ है 4/9, सेम प्रोसेस, नीचे का जो नंबर है वो सेम है तो ऊपर वाले माइनस कर देंगे 2-4, तो आंसर आएगा -2। हम सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर रहे हैं और आंसर नेगेटिव आया, इट मीन्स इट्स ऑपोजिट, तो सेक्रीफाइस का ऑपोजिट होगा गेन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में अपन सेक्रीफाइस कैलकुलेट करेंगे। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज जर्नल एंट्रीज। अब इसमें जो जर्नल एंट्रीज अपन करते हैं वो जर्नल एंट्रीज बनती है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की। क्वेश्चन में हमको लाइबिलिटीज़ भी दी हुई होती है और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी दिया होता है। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है, तो हर साल फर्म को जो भी कंपनी को प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से कंपनी थोड़ा थोड़ा पैसा असाइड करके रिजर्व क्रिएट करती है। उस रिजर्व को इसलिए रखा जाता है कि इन फ्यूचर कभी लॉस हो या कभी फाइनेंशियल क्राइसिस हो तो उस टाइम पे कंपनी उस पैसे को यूज़ कर सकती है, उसके लिए ये रिजर्व क्रिएट किए जाते हैं। तो रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो सारे रिजर्व्स पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा ओल्ड रेशो में होता है। क्वेश्चन में हमको दो रेशो दिए हुए होंगे, ओल्ड भी होगा न्यू भी होगा, बट रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा कौन से रेशो में होगा, ओल्ड रेशो में होगा, न्यू रेशो में कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। साथ साथ में ये बात याद रखनी है कि क्वेश्चन में जो लाइबिलिटीज दी हुई होगी उन लाइबिलिटीज को कभी भी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। अब जैसे अपना क्वेश्चन नंबर 12 है, तो सम नंबर 12 में अपन को इसने बताया है कि अलय एंड संकेत आर पार्टनर्स एंड दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 2:1, और फिर हमको इसने अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। फिर उसके बाद हमको न्यू रेशो भी क्वेश्चन में दे दिया है, दैट इज 1:1, तो न्यू रेशो का हमको कुछ भी काम नहीं करना है, जितना भी हम जर्नल एंट्रीज करेंगे वो सब डिस्ट्रीब्यूशन और जर्नल एंट्रीज ओल्ड रेशो में होगी। अब सबसे पहले क्वेश्चन में हमको दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। देखो प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब कि ये हमारा लॉस है। अगर प्रॉफिट होता तो पार्टनर की कैपिटल में प्लस होता, पार्टनर के कैपिटल में प्लस होता तो कैपिटल क्रेडिट किया जाता, लेकिन ये डेबिट बैलेंस है मतलब ये लॉस है। लॉस है तो क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस करेंगे, और कैपिटल में से माइनस होगा मतलब कैपिटल डिक्रीज होगा, कैपिटल डिक्रीज होगा तो कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिट इफेक्ट देना पड़ेगा, और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, ऑपोजिट इफेक्ट देने के लिए अपन उसको डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे दो पार्टनर हैं अपने पास, अलय एंड संकेत, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस हमको दिया हुआ है 18,000, उसको अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो मतलब 2:1 में।
तो लॉस है ये, डेबिट बैलेंस से मतलब लॉस है, इससे कैपिटल हमारा रिड्यूस हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी एलआईएस कैपिटल अकाउंट डेबिट, संकेत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस डेबिट था, डेबिट से क्रेडिट आया, क्यों क्रेडिट आया, क्योंकि वो पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर करेंगे तो उसको कैंसिल करेंगे, तो डेबिट से क्रेडिट करके हमने प्रॉफिट लॉस को कैंसिल किया। लेकिन कैपिटल डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि ये लॉस है और लॉस की वजह से कैपिटल क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो कैपिटल को ऑपोजिट इफेक्ट दिया, इसीलिए कैपिटल क्या हुआ, डेबिट हुआ। अब 2:1 में अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 18,000 × 2 / 3 तो आएगा 12,000, 18,000 × 1 / 3 तो आएगा 6,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। फिर सेकंड हमको दिया हुआ है रिजर्व फंड। रिजर्व फंड हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, रिजर्व फंड कभी भी लॉस नहीं होता है, वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है, क्योंकि हमने प्रॉफिट में से पैसा बचा के रखा है तो वो हमेशा क्रेडिट ही होगा। तो उसको अपन जब ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट से क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट करेंगे। और ये जो प्रॉफिट का पार्ट है ये वापस से पार्टनर को मिल रहा है, पार्टनर के कैपिटल में जा रहा है, तो उससे पार्टनर का कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, तो अपन उसको सेम इफेक्ट देंगे, कैपिटल को वापस से क्रेडिट किया जाएगा। तो टू अलाइस कैपिटल एंड टू संकेत कैपिटल, अपनी एंट्री बनेगी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू अलाय कैपिटल टू संकेत कैपिटल। 27,000 को अपन 2:1 ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर नरेशन लिखेंगे बीइंग रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो अमंग पार्टनर्स। अब थर्ड नंबर अपन को दिया है वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड। वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड, कभी भी कंपनी को बहुत एक्सेस प्रॉफिट होता है तो बहुत सारी कंपनियों में ऐसा रूल चलता है कि उस प्रॉफिट में से थोड़ा शेयर वर्कर्स को भी दिया जाता है, लेकिन ये शेयर उनको एट अ टाइम नहीं मिलता, काफ़ी टाइम के बाद में जब वो रिटायर होते हैं या वो जॉब्स छोड़ के जाते हैं या कोई भी सिचुएशन बाद में ही उनको ये प्रॉफिट का पार्ट जो है शेयर किया जाता है। तो ये जो प्रॉफिट शेयरिंग फंड है ये वर्कर का है, कभी ना कभी वर्कर को देना पड़ेगा, इसीलिए ये फर्म की लायबिलिटी है, इसको कभी भी पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, इसीलिए इसमें जर्नल एंट्री भी नहीं बनेगी। इसमें हमको नोट लिखना पड़ेगा वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड इज लायबिलिटी ऑफ फर्म, हेंस इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर फोर्थ नंबर अपन को देता है एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड। ऑन जॉब अगर किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके एक्सीडेंट में जितना भी उसका मेडिकल खर्चा आता है वो सब खर्चे के लिए कंपनी एक फंड बना के रखती है, उस फंड का नाम है एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड। अगर एक साल में किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कोई खर्चा नहीं हुआ है, तो साल भर के बाद में कंपनी इस एक्सीडेंट फंड के पैसे को आपस में पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई खर्चा हुआ होता है तो उस खर्चे को इस फंड में से माइनस किया जाता है और फिर जो बचा हुआ पैसा है उस पैसे को पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में अपन को एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड दिया हुआ है 21,000 और नीचे पैराग्राफ में बोला है अ क्लेम ऑफ ₹6,000 इज आउटस्टैंडिंग पेबल टू वर्कर। वर्कर को अभी ₹6,000 एक्सीडेंट का क्लेम देना बाकी है, तो वो ₹6,000 हमको वर्कर को देने पड़ेंगे, तो उस 6,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। लेकिन टोटल अमाउंट है 21,000 में से 6,000 की हमारी लायबिलिटी है, तो 21 में से 6,000 को अपन माइनस कर देंगे, बाकी का बचेगा 15,000, उस 15,000 को अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जर्नल एंट्री बनेगी वर्कर एक्सीडेंट फंड अकाउंट डेबिट टू अलाइस कैपिटल टू संकेत कैपिटल, और ये भी किस में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ओल्ड रेशियो में। नरेशन लिखेंगे बीइंग एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, और फिर एंट्रीज में जो भी अमाउंट है उन सबका टोटल करेंगे अपन 60,000।